दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिमाचल फॉरएवर में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए जॉब्स की अपडेट। और दोस्तों आज हम बात करेंगे विभिन्न जगहों पे जो भर्तियां निकली है उनके बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास जॉब्स की अपडेट है या डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऊना से, यहाँ पे दोस्तों उन्होंने एक नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया है कि अचिंत्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन की ओर से इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अध्यापक के 3 पदों हेतु भर्ती की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने एमएससी मैथ एमएससी फिजिक्स की हुई हो, वह दिनांक 18 मई 2023 को प्रातःकाल 10 बजे अचिंत्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन सैनी कम्प्लेक्स अपोजिट डीएवी स्कूल में पहुंचकर इंटरव्यू में भाग ले सकता है। इच्छुक उम्मीदवार अपने सभी दस्तावेज एवं पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले आएं। इंटरव्यू में आने वाले किसी भी विद्यार्थी को कोई यात्रा भत्ता दे नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जो कोई भी टीचिंग की जॉब सर्च कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस इंटरव्यू में भाग ले सकता है। दोस्तों बात करते हैं अगली अपडेट की। दोस्तों जो हमारे पास अगली अपडेट है, यह है हमारे पास रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज धर्मशाला से यानी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। यहाँ दोस्तों क्या है, इन्होंने एक अपडेट जारी किया है। इन्होंने बताया है कि बीएमटी स्पिनिंग मिल जो कि बर्धमान टेक्सटाइल की इकाई है, बद्दी प्लांट के लिए जो है डोफर एवं बाइडर ट्रेनिंग के 50 पदों हेतु जो है कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करने जा रही है। और दोस्तों इसमें क्या है, 25 पद जो रहेंगे वो पुरुषों के लिए रहेंगे, 25 पद महिलाओं के लिए रहेंगे। इन पदों के लिए भरने के लिए दोस्तों जो कैंपस इंटरव्यू का आपका आयोजन होगा वो होगा उप रोजगार कार्यालय देहरा में 20 मई को। तो दोस्तों जो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो उप रोजगार कार्यालय देहरा में 20 मई को जो है कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। इन्होंने बताया है कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं से लेकर 12वीं तक, और जो आपकी हाइट है वो 5 फुट या इससे अधिक होनी चाहिए, और जो आपका वजन है कम से कम 36 किलो था, आपकी जो एज है 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया है कि चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा ट्रेनिंग अवधि के दौरान पहले महीने 9,000 रुपये, दूसरे महीने 9,500 और तथा 6 महीने बाद ट्रेनिंग समाप्ति पर 13,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि को अपने मूल प्रमाण पत्र अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ उप रोजगार कार्यालय देहरा में पधार कर जो है साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप नीचे नंबर दिए गए हैं, इन पर भी संपर्क कर सकते हैं। जो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो कि आठवीं से लेकर बारहवीं तक पढ़ा हुआ है और जॉब की सर्च कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिसकी जो एज है 18 से 27 वर्ष है, तो वो जो है 20 मई को जो है आप उप रोजगार कार्यालय देहरा में जाके जो है कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकता है। बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। दोस्तों जो हमारे पास अगली अपडेट है, ये है हमारे पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग खंड पुखरी जिला चंबा से। यहाँ पे दोस्तों क्या आशा वर्कर के पदों हेतु जो है आवेदन मांगे गए हैं। और दोस्तों ये जो पद रहेंगे आप देख सकते हैं, ये पुखरी जो ब्लॉक के ब्लॉक पुखरी जो स्वास्थ्य खंड है उसमें ये पद भरे जाएंगे और विभिन्न पंचायतों में पद भरे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पंचायतों के नाम यहाँ पे इन्होंने दिए गए हैं। इन पंचायतों में दोस्तों ये जो पद भरे जाएंगे, बात करते हैं इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। दोस्तों इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए आप 10वीं पास, और जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए आशा वर्कर के पदों हेतु आवेदन करेगी उनके लिए 8वीं पास रखी गई है। और इन्होंने बोला है कि जो अभ्यर्थी है उसकी जो आयु है वो 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए, और इसके लिए जो आवेदनकर्ता शादीफुदा, विधवा, तलाकफुदा या अलग रह रही महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। बात करें तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लगाने होंगे, उसमें आपका आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, 10वीं का सर्टिफिकेट, 8वीं का सर्टिफिकेट हो गया, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ आपको जो है अपना आवेदन करना होगा। और इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जो संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी है जैसे पुखरी, तो आपको पुखरी में जाके ही अपना जो है आवेदन करना होगा। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलअप करने की पुखरी वालों के लिए, वो रहेगी 27 मई 2023, और जो आवेदन करता है वो उस पंचायत या उसी वार्ड के जो है स्थायी निवासी होनी चाहिए। इसका भी आपको प्रमाण पत्र की कॉपी जो है फलंगन करनी होगी, जो कि आपको ग्राम पंचायत, आपके ग्राम पंचायत से आपके ग्राम सेक्रेटरी या आपके पंचायत सेक्रेटरी या आपके जो ग्राम पंचायत प्रधान है वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों बात करते हैं साथ में ही चंबा में और जगह भी आशा वर्कर की भर्ती निकली हुई है। इसी तरह दोस्तों जो हमारा पास अगला स्वास्थ्य खंड है वो रहेगा चूड़ी स्वास्थ्य खंड के अंदर भी जो पंचायतें आती हैं वहाँ पे भी आशा वर्कर के पदों हेतु जो है आवेदन मांगे गए हैं। इसमें पंचायतों के नाम बताए गए हैं, बेल्ली, डारविन, दुलाड़ा, गागला, कुनेड़, कुम्हारका। इन पंचायतों में दोस्तों आशा वर्कर के पद एक एक पद जो है भरे जाने वाले हैं। इन्होंने बोला है कि इन पदों के लिए भी शैक्षणिक योग्यता बहिरे सेम रहने वाली है, और जो आपको अपना आवेदन है जो संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी है, खंड अधिकारी है जैसे कि स्वास्थ्य खंड अधिकारी चूड़ी है, उनके कार्यालय में जाके दोस्तों आपको अपना आवेदन जो है करना होगा। इसकी भी जो लास्ट डेट रहेगी वो 27 मई 2023 रहेगी। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों मैंने आपको पहले बता ही दी है, कंडीशन भी मैंने आपको बता दी कि इस कंडीशन के तहत ये पद भरे जाएंगे। तो दोस्तों जो कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो वो इन दोनों खंडों के जो
और जो पद निकले हुए हैं इन दोनों खंडों के अभ्यर्थी जो हैं, जो महिलाएं अभ्यर्थी हैं, वो 27 मई 2023 से पहले पहले जो है जो उनके संबंधित स्वास्थ्य खंड है उनमें जाके अपना आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारे पास जॉब्स की अपडेट। इसका जो पंचायत वाइज जो लिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप PDF के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके पंचायत में पद भरे जा रहे हैं या नहीं भरे जा रहे हैं। दोस्तों तो ये थी आज की हमारे पास जॉब्स की अपडेट। आई होप जानकारी अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के नए नए जॉब्स के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए आप बने रहें हिमाचल फॉरएवर के साथ। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।